अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीली हो सकती है या नहीं। ये तब्दीली सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान के दरमियान भी हो सकती है, तो इसमें कैप्टन की क्या राय है वो भी आपको बताते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए सरफराज अहमद को पहली चॉइस करार दे दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौ मुंतखब कप्तान ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी होम सीरीज में सरफराज अहमद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनकी जगह पक्की है, वो टीम में सेटल्ड विकेट कीपर बैटर हैं। ऑस्ट्रेलिया में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मोहम्मद रिजवान की मुमकिन बैटिंग के बारे में कहा कि बतौरे बैटर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। कौमी टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो वो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वालों में से एक थे। शान मसूद के इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शान मसूद ने एक इजाफी स्पिनर का भी जिक्र करते हुए कहा कि कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए प्लेइंग 11 का हतमी फैसला करेंगे, जबकि ये सूरत हाल भी ज़ेरे गौर है कि पिच को देखेंगे, वरना एक स्पिनर की जगह बैटर को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।